नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, 18,000 रुपये की जगह हो जाएगी 27,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और सरकार इसका ऐलान कब करने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन या यूं कहें आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कई तोहफे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। साल 2023 से ही उनकी सैलरी में इजाफे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन एक तोहफा जो उन्हें बिना किसी प्लानिंग के मिलेगा वो है महंगाई भत्ता। ये हर साल मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब साल 2024 आएगा। यहाँ से कर्मचारी की सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने साल 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा था कि महंगाई भत्ते के 50% क्रॉस होने पर कर्मचारियों के लिए इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% डीए का पैसा बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो इस नियम की वजह से कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा और कैलकुलेशन के द्वारा हम आपको बताते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 में 42% के हिसाब से भत्ता मिल रहा है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होना है जिसके आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जुलाई से सितंबर तक के महंगाई भत्ते के आंकड़े आने अभी बाकी हैं, जाके सितंबर में इसका ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, इसे अब जो जून के आंकड़े आए हैं इनसे साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, पिछले महीने रिटेल और थोक महंगाई की में थोड़ी ही अधिक दिखाई दी, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ऊपर बना हुआ है जिसका असर अभी बना रहता है। ऐसे महंगाई भत्ते में उम्मीद की जा रही कि अभी तक जो आंकड़े दिखे हैं कि उनमें महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। अगर जुलाई में 4% की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर सीधा 46% हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का रिवीजन होता है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत इसमें एक शर्त जोड़ी गई है। शर्त यह है कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाएगा तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और महंगाई भत्ते यानी डीए को शून्य कर दिया जाएगा। 50% होने पर महंगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों को जो पैसा मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और रिवाइज्ड सैलरी भत्ते के पैसे को जोड़कर होगा। लेवल 3 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए बढ़कर 50% पर पहुंच जाएगा तो कर्मचारियों को भत्ते के रूप में 9,000 रुपये मिलेंगे। इस 9,000 रुपये की रकम को बेसिक सैलरी में जोड़ देंगे तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी और यहाँ से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। दोस्तों, नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारी को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को मिलने वाला डीए को 100% मूल वेतन में जोड़ा जाता है। साल 2016 में सरकार ने नियमों में बदलाव किया। साल 2006 में जब 6ठा वेतनमान आया तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया, इसलिए 6ठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड पे भी बना, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2024 में आनी है, तब एक बार फिर ऐसा होने की उम्मीद है। दोस्तों, साल 2006 में 6ठे वेतनमान के को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी कर दी गई। इस देरी की वजह से सरकार ने 39 से 42 महीने का डीए एरियर 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्ष 2008-09, 9-10 और 10-11 में भुगतान किया गया। नया पे स्केल भी बनाया गया। 5वें वेतनमान में 8,000 से 13,500 वाले वेतनमान में 8,000 पर 186% डीए 14,500 रुपये होता था, इसलिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22,880 रुपये हुआ।
छठे वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15,639,100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया। छठे वेतनमान में यह वेतन 15,600 प्लस 5400 21,000 और इस पर 1 जनवरी 2009 को 16% डीए 2,226 जोड़ने पर कुल वेतनमान 23,226 रुपये तय किया गया। चौथे वेतन आयोग की सिफारिश 1986 पाँचवें की 1996 और छठे की 2006 लागू की गई और सातवें कमिश्नर की सिफारिश जनवरी 2016 से लागू की गई। दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिवीजन तब होगा जब महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस कर जाएगा, जिसमें 3% का इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल अधिकतम दर 27% है, जिसे बढ़ाकर 30% किया जा सकता है। सरकारी मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए 30, 20 और 10% होगा। एचआरए की कैटेगरी एक्स वाई जेड क्लास कैटेगरी में बांटी गई है, जिसमें शहरों की लिस्ट है। जो केंद्रीय कर्मचारी एक्स कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27%, वाई क्लास वालों को 18 और जेड क्लास वालों को 9 एचआर मिलता है, जिसमें 3-3% का रिविजन होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।